नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानबीडी की ऑनलाइन क्लासों में। हमारी चल रही थी थ्योरी क्लासें और आज हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इनपुट आउटपुट डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है। इसमें देखिए, अपने को नाम से पता चल रहा है, इनपुट डिवाइस यानी इनपुट यानी कंप्यूटर ऐसी डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर हम डाटा डाल सकते हैं, वो डिवाइस कहलाती है इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है? एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है, यानी कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट डालेंगे किसके माध्यम से डालेंगे? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरणों में से एक है। जो इनपुट उपकरण जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित इनपुट उपकरण है वो कीबोर्ड होता है और दूसरे नंबर पे माउस है, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में आंकड़े डालने और निर्देश देने के लिए करते हैं। यानी कीबोर्ड का उपयोग किसके लिए करते हैं? आंकड़े डालने के लिए और निर्देश देने के लिए करते हैं। आंकड़े मतलब डाटा, जैसे कोई भी टेक्स्ट वगैरह डालने हैं, कोई अंक वगैरह डालने हैं तो हम कीबोर्ड के माध्यम से डालते हैं, और नई लाइन में जाने का निर्देश देना है, डिलीट करने का निर्देश देना है तो हम कंप्यूटर से कीबोर्ड से दे सकते हैं। तो कीबोर्ड से हम आंकड़े डालते हैं और निर्देश भी देते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए कीबोर्ड सबसे एक मौलिक इनपुट डिवाइस है, यानी मौलिक का मतलब आवश्यक ज़रूरी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस वो उपकरण है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल सकते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, निर्देश भी हो सकते हैं, आंकड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी युक्तियाँ होती हैं इनपुट डिवाइस के लिए, उन युक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस के उदाहरण के बारे में। ठीक है, ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इनपुट उपकरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट जो इनपुट उपकरण है, इसके माध्यम से हम डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सब लोग जानते हैं। इसके अंदर अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक कीपैड होती है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो डाल सकते हैं। दो नंबर पर है स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट के लिए यूज किया जाता है। स्कैनर आपने कभी पढ़ा हो, कभी देखा हो। स्कैनर कैसे इनपुट करता है? ये कोई फ़ोटो या कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वैसा का वैसा कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देता है। जैसे आपने देखा होगा 12वीं के 11वीं के बोर्ड के परीक्षाएं भरते हैं या कोई जॉब वगैरह के फॉर्म भरते हैं, तो उसमें फ़ोटो सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं। तो स्कैन इसी उपकरण के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अंदर वो साइन किए या जो फ़ोटो वो रखी जाती है और कंप्यूटर के अंदर कमांड दी जाती है, तो ये जो सिग्नेचर अपने फ़ोटो स्कैनर के अंदर रखे हुए हैं वो कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं, डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है स्कैनर। ठीक है, इसके बाद में है तीसरे नंबर पे है वेब कैमरा। ये भी एक इनपुट का साधन है। ये क्या इनपुट करता है? ये हमारा फेस कैप्चर करके, हमारी फ़ोटो कैप्चर करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अपना वेब कैमरा है। ठीक है, वेब कैमरा क्या करता है? अपने जो फ़ोटो उसको कैप्चर करता है और कंप्यूटर के अंदर डालता है। वेब कैमरे के माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तो अपने फ़ोटो को ये कैप्चर करके आगे पहुंचाता है, तो ये भी एक इनपुट का साधन मान सकते हैं इसको भी। माइक्रोफोन ये इनपुट का साधन ही, इसमें हम कोई वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके माध्यम से या कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। ये जो माइक्रोफोन होता है हर लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या है, हम अपने जो शब्द हैं उनको बोल कर कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इनपुट साधन है माइक्रोफोन। इसके अलावा कुछ पॉइंटिंग डिवाइसें भी होती है। पॉइंटिंग डिवाइसें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है। पॉइंटिंग का क्या मतलब होता है? पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है पॉइंट करने वाली डिवाइस, यानी किसी स्थान तक पहुंचने वाली डिवाइस। किसी स्थान तक पहुंचना हो अपने को, तो यानी किसी स्थान को पॉइंट करना हो, तो उसके लिए पॉइंटिंग डिवाइस काम में लेते हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइस भी इनपुट डिवाइस ही है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण ही पॉइंटिंग डिवाइस मैंने यहाँ लिए हैं। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस अलग से मैंने टॉपिक इसलिए लिया कि कई बार निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस इस तरीके से प्रश्न आ जाता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस होती है पॉइंट करने वाली, यानी किसी स्थान तक पहुँचने वाली, जैसे माउस है
ये अपने को निश्चित स्थान तक पहुंचाता है। जैसे मान लिया माई कंप्यूटर ओपन करना है अपने को, तो अपन इस माउस की वजह से माई कंप्यूटर तक पहुंच पाते हैं और उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट करता है माई कंप्यूटर, जैसे मान लिया, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है? जो पॉइंट करता है किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो माउस तो सबसे प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस है ही, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप हमेशा यूज़ करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यूज में लिया जाता है। और अब ये ऑप्टिकल माउस आ गए हैं। ऑप्टिकल माउस कौन से होते हैं? जिनके नीचे रेड लाइन होती है। पहले पारंपरिक माउस थे, उसमें नीचे गेंद होती थी, उस गेंद के वो गेंद समतल जगह पे चलाई जाती थी और उस गेंद के माध्यम से जो अपना ये पॉइंटर होता है वो इधर उधर मूव होता था, ठीक है। लेकिन आजकल ऑप्टिकल माउस आ गए हैं, तो माउस क्या करता है? पॉइंटर को इधर उधर मूव करने के लिए या कोई चीज़ को पॉइंट करने के लिए। दूसरी प्रसिद्ध पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपने नाम सुना होगा, ये बिल्कुल माउस की तरह ही होता है। माउस और इसमें इतना अंतर होता है पारंपरिक माउस और इसमें, कि पारंपरिक माउस में तो ये जो गेंद दिखाई दे रही है आपको, ये माउस के नीचे लगी होती है और माउस को इधर उधर मूव करना पड़ता है, तब वो पॉइंटर वो इधर उधर मूव होता है। लेकिन ट्रैक बॉल में ऐसा नहीं है। ट्रैक बॉल में ये माउस स्थिर रहता है एक जगह, और ये जो गेंद है इसको उंगली से घुमाया जाता है, और इस गेंद को घुमाने से जो अपना ये कर्सर होता है, एरो का चिन्ह, ये इधर उधर मूव होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रैक बॉल, यानी ये माउस की तरह ही है। इसमें तो माउस को इधर उधर घुमाया जाता है, इसमें इस गेंद को घुमाया जाता है, माउस को फिक्स रखा जाता है, तो ये ट्रैक बॉल है अपने। इसके बाद में है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। हम टच करते हुए कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। टच स्क्रीन कंप्यूटर आए हुए हैं, मोबाइल में भी अपनी टच स्क्रीन होती है। तो हम जैसे किसी चीज़ को ओपन करना हो तो डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो निर्देश लेता है अपने इनपुट के रूप में वो टच स्क्रीन, तो ये भी एक इनपुट का साधन मान सकते हैं टच स्क्रीन को, ठीक है। इसके अलावा पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है? ये चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती है। ये आपने देखा हो कई लैपटॉप या कई कीबोर्ड्स के अंदर बटनों के बीच में एक अलग बटन होता है, इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा हो, तो इस तरीके का एक अलग टाइप का बटन होता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये माउस की तरह इसका यूज कर सकते हैं। उंगली से इसको जिस दिशा के अंदर अपन पॉइंटर को जाना चाहें उस दिशा के अंदर इसके माध्यम से लेके जा सकते हैं, ठीक है, उंगली से, ठीक है। ये लैपटॉप में होती है लगभग, और कई कीबोर्ड के अंदर भी उपलब्ध है। इसको बोलते हैं पॉइंटिंग स्टिक, ठीक है। ये अपना माउस वगैरह ना हो अपने पास तो यूज में लेने के लिए काफ़ी उपयोगी है। यानी ये अगर अपने कीबोर्ड में लगी हो तो हम माउस की जगह कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं, दोनों चीज़ पॉइंट करना और डाटा डालना, ठीक है। तो ये पॉइंटिंग स्टिक होती है जो कीबोर्ड के बीच में लगी होती है, इससे अपन उंगली से इधर उधर मूव करके पॉइंटर को इधर उधर ले जा सकते हैं। जोस्टिक ये तो आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। जोस्टिक क्या होता है? जोस्टिक गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, गेम को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसपे बटन होते हैं जो स्पीड वगैरह कंट्रोल करते हैं और दिशा देते हैं। तो जोस्टिक जो है ये भी एक इनपुट उपकरण है, निर्देश देता है गेम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। टच पैड, ये देखिए ये टच पैड है, ये टच स्क्रीन है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है टच पैड से टच स्क्रीन में। इसमें तो स्क्रीन से टच करके डायरेक्ट हम डाटा डाल सकते हैं। टच पैड में ये जो लैपटॉप के अंदर लगी होती है टच पैड, यहाँ से उंगली घुमाते हैं और कर्सर उधर उधर मूव होता है, उसको टच पैड बोलते हैं। यानी हम टच पैड के माध्यम से भी डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। यानी निर्देश डाल सकते हैं किसी चीज़ को ओपन वगैरह करने हो तो टच पैड भी क्या है कि इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में पेन, इसको हम लाइट पेन भी बोल देते हैं या सीधा पेन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो टच स्क्रीन होता है उस पर टच करते हुए इसके माध्यम से डाटा इनपुट कर सकते हैं। यह एक लाइट पेन होता है, उससे डायरेक्ट हम कंप्यूटर के डिस्प्ले पर भी लिख कर डाटा है वो इनपुट के रूप में कर सकते हैं। तो लाइट पेन, इसको लाइट पेन भी बोल सकते हैं, सीधा पेन भी बोल सकते हैं, ये भी एक इनपुट उपकरण है। तो ये थी पॉइंटिंग डिवाइस। किसी चीज़ को पॉइंट करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कुछ और इनपुट उपकरणों के बारे में। एक है MICR, यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये क्या काम आता है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या इनपुट करती है? ये ज़्यादातर यूज की जाती है चेक के ऊपर जो चेक नंबर लगे होते हैं उनको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, यानी जो ये चेक होता है अपना, इस पर जो जिस स्याही से
ये अपने चेक के नंबर लिखे होते हैं वो होती है मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं। और ये जो MICR अपना रीडर होता है ये क्या करता है, उस चुंबकीय स्याही को रीड करता है और कंप्यूटर को डिजिटल रूप के अंदर इसको डाटा दे देता है। यानी चेक नंबर स्कैन करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। इसमें चुंबकीय स्याही से करेक्टर लिखे होते हैं उनको ये रीड करता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक से करेक्टर लिखे होते हैं, शब्द अक्षर लिखे होते हैं उनको ये क्या करता है, रीड करता है। दूसरा है OMR। आपने OMR शीट देखी होगी, आपने भरी भी होंगी, जिसमें गोले काले करने होते हैं, ठीक है। तो उनको चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR होता है, इस उसमें OMR शीट डाली जाती है और वो अपने ऑप्शन जो भरे हुए हैं उनको चेक करता है और रिजल्ट तैयार करता है। तो वो होता है OMR यानी OMR को शीट को चेक करने वाला, यानी चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरते हैं बाकी खाली रहता है, तो ये उपस्थित या न अनुपस्थित प्रक्रिया पे काम करता है भाई, इसमें हमने गोला किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो ये OMR को चेक करने के लिए OMR शीट का यूज किया जाता है। करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये बड़ी मुख्य इंपोर्टेंट डिवाइस है। ये इनपुट के रूप में काम में लेती है। ये क्या इनपुट करती है, ये किसी बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें डायरेक्ट करेक्टर को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देती है डिजिटल रूप से। ये जैसे इस बुक में स्कैन कर रहे हैं, इस पेन से जो आपको डिवाइस दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं OCR। ये क्या करता है, पूरी किताब को, पूरे अक्षर को ऐसे स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल देता है और वो भी डिजिटल रूप से, ठीक है। इसको बोलते हैं OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जो बुक में से करेक्टर को रीड करके कंप्यूटर के अंदर पहुँचाता है। लास्ट इनपुट डिवाइस आज की इस हमारे उदाहरण में है बार कोड रीडर, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है BCR, बार कोड रीडर। आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट वगैरह पे इस तरीके के कोड लगे होते हैं, ठीक है, और उसमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ होती है। बड़े बड़े मॉलों में आपने देखा होगा कि इन प्रोडक्टों को स्कैन किया जाता है, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर बिल अपने आप तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी जानकारी छुपी होती है कि इस प्रोडक्ट की क्या कीमत है, कब बना था, लास्ट डेट वगैरह क्या है, सब चीज़ तो ऑटोमेटिक रूप से बिल के अंदर आ जाती है। तो बार कोड रीडर क्या काम आता है, बार कोड को रीड करने के लिए इस पर इसमें से प्रकाश डाला जाता है और इसको रीड कर लिया जाता है और कंप्यूटर के अंदर इस रिलेटेड डाटा को पहुंचा दिया जाता है। तो ये भी एक इनपुट उपकरण है, इनपुट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये थे हमारी इनपुट डिवाइस। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या है, नाम से पता चल रहा है, आउटपुट यानी ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होती है। काफ़ी सारी आउटपुट डिवाइस प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आउटपुट डिवाइस प्रसिद्ध है वो है मॉनिटर यानी डिस्प्ले, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं। तो वो एक आउटपुट है यानी अपने को वो एक आउटपुट दे रही है, जो भी डाटा वो अपने को प्रदर्शित करवा रही है। तो डिवाइस जो कि डाटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट रिजल्ट प्रदान करता है आउटपुट डिवाइस कहलाती है। यानी प्रोसेस होने के बाद में हमें जो डिवाइस आउटपुट देगी, रिजल्ट देगी, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन जो कि हमें कुछ काम करने के बाद में मिला हो या कुछ डाटा प्रोसेस होने के बाद वह प्राप्त हुआ हो तो उसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं, जो भी डाटा प्रोसेस होने के बाद में अपने को मिलता है वो चीज़ क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है, ठीक है। और उस आउटपुट को प्रदर्शित करवाने का काम कौन करता है, आउटपुट डिवाइस करती है। इस डाटा को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रिजल्ट प्रदान करने के डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें देखिए दो चीज़ नाम आए हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होते हैं, यानी इसमें जो अपना डाटा प्राप्त होता है, आउटपुट का जो डाटा होता है प्रोसेस करने के बाद में, वो दो रूप में प्राप्त हो सकता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी कौन सी होती है, जब हम उसको प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं, जब हम उसको प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं वो तो होती है हार्ड कॉपी, जो अपने प्रिंट होकर पेज आते में होता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं जब तक वो फाइल कंप्यूटर में रहती है, यानी आउटपुट हम कंप्यूटर के अंदर ही देखते हैं ना कि प्रिंट करके देखते हैं, तो होगी सॉफ्ट कॉपी। और जब हम उसको प्रिंट करके प्रिंटर से आउटपुट ले लेते हैं तो हो जाती है हार्ड कॉपी, यानी प्रिंटर से निकली हुई फाइल को हार्ड कॉपी कहते हैं और कंप्यूटर के अंदर उपस्थित फाइल को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो प्रोसेस होने के बाद जो डाटा मिलता है वो दोनों फाइलों के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आइए आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण हैं कौन कौन से, सबसे पहले है मॉनिटर।
मॉनिटर सबसे प्रचलित उपकरण है आउटपुट में। ये क्या करता है, अपने को डिस्प्ले के रूप में जो भी आउटपुट है कंप्यूटर के अंदर चीज़ें उसको प्रदर्शित करता है। दूसरा आउटपुट का मुख्य उपकरण है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करके अपने को आउटपुट देता है। जैसे कोई फाइल है या जो भी चीज़ है, फोटो वगैरह है, कुछ भी हो, उसको हम प्रिंट करके अपने हार्ड कॉपी के माध्यम हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। किससे, प्रिंटर से। तो ये भी एक आउटपुट का उदाहरण है। स्पीकर, ये भी एक आउटपुट उपकरण है। ये क्या आउट करता है, ये वॉइस स्पीक वॉइस है वो आउटपुट के रूप में देता है। आवाज़ है वो आउटपुट के रूप में देता है। कंप्यूटर से रिलेटेड म्यूजिक है वो आउटपुट के रूप में देता है। यानी कंप्यूटर के अंदर से जितनी आवाज़ निकलती है वो आउटपुट के रूप में अपने कौन देगा, स्पीकर देगा। तो स्पीकर क्या है, आउटपुट का साधन है। हैंडसेट भी आउटपुट का साधन है, ये भी अपने कानों तक कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस है उसको आउटपुट के रूप में देता है। यानी कानों तक अपने को आवाज़ पहुंचाता है कंप्यूटर से, कंप्यूटर के अंदर जो भी आवाज़ है, जो भी आवाज़ अब चल रही है, जो भी सॉन्ग चल रहा है उसको सुनाता है। तो ये भी एक आउटपुट का साधन है, हेडफोन या हैंडसेट बोल सकते हैं। ये अपने कानों तक पहुँचाता है, इससे पास बैठे व्यक्ति को नहीं सुनाई देता, सिर्फ जिसके कान पर लगा होता है उसी को सुनाई देता है। तो ये आप लोग यूज़ करते हो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता है नहीं। तो ये एक इनपुट युक्ति है, ये ध्यान में रखें, और ये सॉरी आउटपुट युक्ति है, और ये साउंड को आउट करती है, और स्पीकर भी साउंड को आउट करता है। प्रोजेक्टर, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आउटपुट के रूप में। ये क्या करता है, अपने जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको दीवार पर डालकर यानी बड़े रूप में प्रदर्शित करता है। ये होता है प्रोजेक्टर। थिएटर वगैरह में जो मूवी वगैरह चलती है प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाती है, जो पूरी की पूरी दीवार के अंदर अपने कंप्यूटर स्क्रीन को डाल देता है, ठीक है, वो होता है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट का साधन है। इसके बाद में है प्लॉटर। प्लॉटर भी आउटपुट का साधन है। प्लॉटर प्रिंटर का तरह ही है, प्रिंटर का ही एक भाग मान सकते हैं प्लॉटर। प्रिंटर तो छोटे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए काम आता है, और प्लॉटर होता है बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े नक्शे वगैरह जब प्रिंट करने हो तो किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का, क्योंकि इसके प्रिंट करने की क्षमता काफ़ी तेज होती है, काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये प्लॉटर भी आउटपुट का साधन है। अब हम कुछ और आउटपुट युक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मुख्य रूप से आउटपुट युक्तियाँ तो ये छह प्रकार की मुख्य रूप से यही हैं, ठीक है। अब हम इस जो मॉनिटर अपना था इसके प्रकार और प्रिंटर थे इसके प्रकार पढ़ेंगे। इनके प्रकार भी होते हैं, ये दो मुख्य इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसके बाद में स्पीकर होता है, ठीक है। तो मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। मॉनिटर, टाइप ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर होते क्या हैं, मॉनिटर होते हैं कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को डिस्प्ले के रूप में दिखाने के लिए जो युक्ति काम ली जाती है वो मॉनिटर होती है। मॉनिटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सीआरटी और फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब है वो आकार में बड़ी होती है, इसलिए कंप्यूटर आकार भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये जो कंप्यूटर अपना, ये कौन सा कंप्यूटर होता है, सीआरटी मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर का आकार भी काफ़ी बड़ा हो जाता है सीआरटी से, क्योंकि इसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होती है जो जल्दी गर्म हो जाती है, विद्युत बहुत ज़्यादा खपत करती है, यानी लाइट बड़ी मात्रा में ये यूज करती है, ठीक है। तो ये आकार में भी बड़े होते हैं और लाइट भी ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरे फ्लैट पैनल मॉनिटर, यानी फ्लैट का मतलब होता है फ्लैट, बिल्कुल पतले, यानी इसकी तरह ज़्यादा स्थान नहीं घेरते, बहुत ही कम स्थान घेरते हैं और विद्युत खपत भी बहुत कम करते हैं सीआरटी मॉनिटर से। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एलसीडी और एलईडी। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये फुल फॉर्म आते हैं एग्जाम में कई बार, और एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलसीडी और एलईडी दोनों लगभग सेम से हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, पता ही नहीं लगता। इसके अंदर थोड़ा वो डिफरेंस है, यानी एलईडी वो एलसीडी के बाद की डिवाइस है, ठीक है। इसमें सुधार करके इसको बनाया गया, इसके अंदर इसको मॉडिफाई करके, इसके अंदर कुछ और ऐड करके इसको बनाया गया। यानी एलसीडी लाइट कम खर्च करती है सीआरटी मॉनिटर से, और एलईडी एलसीडी से भी कम लाइट खर्च करती है, इससे ज़्यादा इसकी क्लियरिटी है, यानी एलसीडी से ज़्यादा क्लियरिटी एलईडी की है, ठीक है। और एलसीडी को बिल्कुल सामने बैठकर देखने से बिल्कुल साफ दिखाई देता है, थोड़ा साइड में बैठने से इसमें क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन एलईडी को हम किसी भी दिशा से बैठकर देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो ये इसकी खासियत है। तो ये थे मॉनिटर दो टाइप के, आपको समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रिंटर, जो एक मुख्य टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। टाइप ऑफ प्रिंटर,
देखो प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के आगे दो प्रकार फिर होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के पांच भाग होते हैं, लेजर, इंकजेट, थर्मल, फोटो और प्लॉटर। ठीक है, ये इनके भाग हैं, यानी प्रिंटर के दो भाग होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर आगे दो भागों में बांटा गया है, नॉन इम्पैक्ट को चार पांच भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इनके प्रकारों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ज़्यादा आवाज़ करने वाले, कम गति वाले होते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या करते हैं, जब इसको प्रिंट किया जाता है तो बहुत आवाज़ करते हैं और गति प्रिंट करने की बहुत कम होती है, बहुत कम गति से ये प्रिंट कर पाते हैं। बहुत समय लगता है प्रिंट करने में और बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो करेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। तो सबसे पहले हम करेक्टर प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। करेक्टर प्रिंटर नाम से पता चल रहा है, करेक्टर यानी एक बार में एक ही करेक्टर को प्रिंट करता है, यानी एक बार में ये जब हम किसी पेज पे प्रिंट करेंगे तो एक एक करेक्टर को प्रिंट करेगा। पहले पहले करेक्टर को, जैसे मान लिया कंप्यूटर नाम लिखना है तो पहले सी को किया, फिर ओ को किया, फिर एम को किया, इस तरीके से एक एक करेक्टर को प्रिंट करेगा। करेक्टर प्रिंट होता है, ये पूरी लाइन को एक साथ ही प्रिंट नहीं करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी वैली प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर टेक्स्ट को बनाता है, इसमें छोटे छोटे डॉट से मिलकर टेक्स्ट को बनाता है, यानी इसमें छोटे छोटे डॉट यानी पिन पिन जैसे होते हैं और वो एक रिबन पे प्रहार करते हैं और उसके हिसाब से रिबन रिबन होता है उसमें स्याही होती है, तो ये कागज़ और रिबन दोनों पे साथ में प्रहार करता है। जो भी अक्षर अपने को प्रिंट करना हो वो डॉट के रूप में प्रिंट करता है। दूसरा है डेजी वैली प्रिंटर। ये इसका आकार एक डेजी वैली पुष्प होता है उसके समान है, इसलिए इसको डेजी वैली प्रिंटर कहा गया, उस पुष्प के नाम से यानी फूल के नाम से। इसमें क्या होता है, इसमें गोलाकार रूप में कई सारी ताड़ियाँ लगी होती है, ताड़ियों पे ये करेक्टर लगे होते हैं, यहाँ पे करेक्टर छपे होते हैं और जब हम प्रिंट करते हैं तो ये करेक्टर प्रहार करती है रिबन पे और रिबन के नीचे कागज़ होता है, तो उस प्रहार से कागज़ जो रिबन होता है उसमें स्याही लगी होती है, स्याही से भरा वो रिबन होता है, तो इस रिबन पे प्रहार करती है तो वो करेक्टर है, वो जो कागज़ है उस पर छप जाता है। तो ये दो मुख्य रूप से प्रिंट होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डिजी वेल। डॉट में जो अक्षर है वो डॉट डॉट से मिलकर बने होते हैं, डेजी वेल में ये ताड़ियाँ लगी तो इस पर करेक्ट होते हैं और प्रहार से वो छपते हैं, इसीलिए तो ये इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में ज़्यादा आवाज़ होती है क्योंकि ये एक एक करेक्टर को प्रहार करके छापती है। ठीक है, तो ये तो अपना करेक्टर प्रिंटर आई आयु की बात समझो, यानी एक बार में एक ही करेक्टर प्रिंट कर सकता है, पूरी लाइन को एक साथ नहीं कर सकता, वो होता है करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है? एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। ये क्या करता है, एक लाइन में पूरी पंक्ति को एक लाइन में प्रिंट कर देता है, ऐसा नहीं कि एक करेक्टर को प्रिंट करेगा, इसलिए इसकी गति करेक्टर प्रिंटर से थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एक करेक्टर प्रिंट होता है, इसमें एक लाइन पूरी प्रिंट होती है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम लगा होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ड्रम पे करेक्टर लिखे होते हैं और ये घूमता रहता है और कागज़ और ड्रम के बीच में एक रिबन होता है, स्याही से भरा रिबन जिसमें स्याही होती है, और ये जो जो भी करेक्टर छपना हो वो इस ड्रम और रिबन के माध्यम से कागज़ पे छप जाता है। ठीक है, दूसरा है चैन प्रिंटर। इसमें देखिए ये चैन लगी होती है, ये चैन है, ठीक है, ये चैन है और ये पेज अपना, ये कागज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पेपर है, ठीक है, ये यहाँ पे रिबन लगा हुआ, ये जो ब्लैक है ये पूरा पीछे रिबन है इसके पूरे कागज़ की तरफ, तो ये चैन चलती रहती है और इसमें करेक्टर होता है, करेक्टर होते हैं, करेक्टर लिखे होते हैं, देखिए डब्लू दिखाई दे रहा हो आपको, ये करेक्टर लिखे होते हैं और जो करेक्टर छपना होता है वो इस रिबन पे जोर डालता है और वो इस पेज पे छप जाता है फिर, क्योंकि ये रिबन है वो स्याही से भरा होता है और वो छप जाता है। तो ये चैन प्रिंटर है। और बैंड प्रिंटर में क्या होता है, बस एक ही डिफरेंस होता है, बाकी चैन प्रिंटर की तरह ही है, इस चैन की जगह इसमें क्या होता है, बैंड लगा होता है, चैन नहीं होता, बैंड लगा होता है। बैंड लगाने का उद्देश्य क्या है, बैंड चैन की गति थोड़ी धीमी होती है, बैंड इससे थोड़ा तेज़ गति से चलता है, इसलिए बैंड लगा दिया गया। प्रक्रिया वही सेम है, ये रिबन होता है, ये बैंड पे करेक्टर लिखे होते हैं, ये बैंड चलता रहता है और करेक्टर इस कागज़ पे छपते रहते हैं। तो ये था अपना लाइन प्रिंटर, ऐसा आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे प्रकार के नॉन इम्पैक्ट। पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ लिए जो कि काफ़ी आवाज़ करते थे और कम गति वाले होते थे। अब हम पढ़ें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये क्या होते हैं? ये कम आवाज़ करने वाले व ज़्यादा गति वाले होते हैं, ये उसके विपरीत होते हैं। इनकी आवाज़ तो होती है बहुत ही कम नए के बराबर और गति प्रिंट करने की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से चार प्रकार के माने गए हैं, पांच प्रकार के हैं ये। सबसे पहले है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपने देखा होगा ई मित्र की दुकान में या किसी स्कूल वगैरह में, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट रूप से प्रिंट करता है। इसमें जो स्याही है वो पाउडर के रूप में होती है, लिक्विड रूप नहीं होती। वो किसके रूप में होती है? पाउडर के रूप में होती है, और उस पाउडर को बोला जाता है टोनर। क्या बोला जाता है? टोनर, TONER। क्या बोला जाता है उसको? टोनर बोला जाता है, टोनर बोला जाता है उसको, टोनर बोला जाता है, ठीक है। और इसमें ड्रम लगा होता है, एक ड्रम, और उस ड्रम में चुमके जो ड्रम है उसमें ये अपने टोनर यानी पाउडर के रूप में स्याही डली होती है, और उस ड्रम के माध्यम से इसमें प्रिंट होता है। इसकी गति काफ़ी तेज़ होती है प्रिंट करने की, ठीक है। इसमें जो स्याही है वो पाउडर के रूप में डलती है, जिसको टोनर बोलते हैं, और टोनर ड्रम में डलता है, ड्रम यहाँ पर प्रिंट करता है। दूसरा है इंकजेट प्रिंटर। इसकी गति थोड़ी धीमी होती है लेजर प्रिंटर से, ठीक है। इसमें जो स्याही है वो लिक्विड रूप से डलती है, ठीक है। इसमें लिक्विड रूप से डलती है, न कि पाउडर के रूप में। और इसमें प्रिंट करने के लिए कार्ट्रेज लगी होती है। इसमें ड्रम होता है, इसमें क्या होती है? कार्ट्रेज लगी होती है, जो कि जो कलर की बूंदे हैं उसको कागज़ पर फेंकते हुए डाटा को प्रिंट करती है, कागज़ के ऊपर डालते हुए प्रिंट करती है। जिस कलर, इसमें कई कलर, कई तीन चार कलर, लगभग तीन चार कलर की लिक्विड स्याही इसमें लगी होती है, और उन लिक्विड स्याहियों के आपस में संयोग करते हुए टोटल जो रंग होते हैं, जो कलर होते हैं, उसमें कलर प्रिंट हम प्राप्त करते हैं इससे। यानी इंकजेट प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर से इसकी स्पीड कम होती है, और इसमें कार्ट्रेज लगी होती है, इसमें लिक्विड स्याही डलती है, और लिक्विड स्याही के फुहारे के रूप में प्रहार से इसमें कागज़ में जो डाटा है वो छपता है। आगे है थर्मल प्रिंटर। ये स्पेशल प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो ऊष्मा पर आधारित है, यानी अपने अंदर के तत्वों को गर्म करके इस पर प्रिंट किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके इसमें स्पेशल पेपर यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और इसका प्रिंट किया हुआ जो डाटा है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाता, कुछ एक निश्चित समय के बाद में अपने आप वो डिलीट मिट जाता है, डिलीट हो जाता है इस कागज़ से। और ये सबसे ज़्यादा यूज कहाँ किया जाता है थर्मल प्रिंटर? ATM के अंदर। ATM में जो अपने को प्रिंट किया जाता है, प्रिंट करके दिया जाता है, वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करके दिया जाता है। ये जो पेज होते हैं प्रिंट होने वाले, ये भी स्पेशल होते हैं, नॉर्मल पेज इसके अंदर प्रिंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में है फोटो प्रिंटर। अब इसमें फोटो प्रिंटर, फोटो प्रिंटर क्या काम आता है? फोटो प्रिंटर भी एक प्रिंट होता है जो फोटो प्रिंट करने के लिए स्पेशल यूज में लिया जाता है। यानी फोटो के अंदर अपने को काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये फोटो प्रिंटर काफ़ी क्लियरिटी से डाटा को प्रिंट करता है, तो ये फोटो प्रिंटर यानी स्पेशल फोटो को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर होता है, इसलिए इसका नाम फोटो प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर भी कलर में प्रिंट करता है, ये भी करता है। इन दोनों में अंतर ये है कि ये बहुत तेज़ी से प्रिंट करता है, ठीक है। ये काफ़ी तेज़ी से प्रिंट करता है, ठीक है, जिसकी प्रिंट करने की गति काफ़ी धीमी होती है, और इसकी क्लियरिटी, फोटो प्रिंट की क्लियरिटी इंक प्रिंटर से काफ़ी तेज़ होती है। इसकी प्रिंट काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी क्लियरिटी, किससे? इंकजेट प्रिंटर से, ठीक है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भाग थे। एक इसका एक भाग और रहता है प्लॉटर, वो और पढ़ते हैं हम अभी। ये है प्लॉटर। प्लॉटर क्या काम आता है? प्लॉटर आपको मैंने पहले बताया था, बड़े बैनर और नक्शे आदि को प्रिंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। यानी बड़े बड़े बैनर आपने देखे होंगे नेता लोगों के या सेंटर के, स्कूल के, जो दीवारों पर लगे होते हैं बड़े बड़े फोटो या जो भी बैनर होते हैं, वो किसके अंदर तैयार किए जाते हैं? वो प्लॉटर के अंदर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये प्रिंटर की तरह होता है, बस इसका आकार प्रिंट करने के लिए बहुत बड़ा होता है। तो प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो ड्रम प्लॉटर और एक फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर कौन सा होता है? ड्रम प्लेटर में, प्लॉटर में क्या होता है, इसमें ड्रम एक जगह फिक्स होता है, और इसके अंदर जो सीट डली होती है वो सीट
प्रिंट होती जाती है और आगे से आगे निकलती जाती है, यानी शीट इसमें मूव होती है, और जो अपना ड्रम होता है या जो हेड होता है प्रिंट करने के लिए वो एक जगह फिक्स होता है। जबकि फ्लैट बेड प्लॉटर में ये शीट फिक्स होती है, देखिए ऐसे शीट फिक्स होती है और जो हेड है ये हेड ये इधर उधर घूमते हुए प्रिंट करता है, ठीक है। ड्रम प्लॉटर में तो हेड फिक्स होता है, जो सीट है वो आगे पीछे घूमती है, आगे पीछे निकलती है। और फ्लैट बेड में क्या होता है, जो अपनी सीट होती है वो फिक्स होती है और जो ये हेड है ये इसमें आगे पीछे से घूमता है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, इस तरीके से जाते हुए साथ में आगे बढ़ेगा और पूरी सीट प्रिंट हो जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर में। आशा आपको समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसें। अब कुछ डिवाइसें ऐसी होती है जो इनपुट भी है और आउटपुट है, दोनों ही मानी जाती है, वो कौन सी है वो और पढ़ लेते हैं। ये देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं और आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ लिया, इन सब सारे उपकरणों के बारे में, ठीक है। अब हम जो ऐसे हैं जो दोनों हो इनपुट और आउटपुट, वो ये युक्तियाँ हैं। सबसे पहले है डिजिटल कैमरा। डिजिटल जो कैमरा होता है जैसे मोबाइल में मान सकते हैं, या डिजिटल कैमरा जो अलग होता है, इससे क्या है फ़ोटो क्लिक करते हैं, फ़ोटो क्लिक हो जाती है, यानी वो इनपुट के रूप में इनपुट हो गई। अब फिर हम स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, अपने को दिखा भी देता है ये कि कैसी है ये फ़ोटो, वो आउटपुट हो गया, यानी इनपुट आउटपुट दोनों काम करती है ये। पेन ड्राइव भी इनपुट आउटपुट दोनों काम करती है, पेन ड्राइव के अंदर भी कोई चीज़ डाल सकते हैं और पेन ड्राइव से वापस भी हम ले सकते हैं, तो ये भी इनपुट आउटपुट दोनों का डिवाइस माना जाता है। टच स्क्रीन, स्क्रीन को टच करते हुए हम कोई डाटा इंटर करते हैं और वही टच स्क्रीन अपने को आउटपुट के रूम में भी दिखा सकती है, तो ये भी दोनों इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी दोनों का काम करती है इनपुट आउटपुट का। सीडी या डीवीडी, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों काम करती है, क्योंकि सीडी के अंदर भी हम डाटा डाल सकते हैं और डाटा देख भी सकते हैं, यानी कंप्यूटर से सीडी के अंदर डाल भी सकते हैं और सीडी से कंप्यूटर को दे भी सकते हैं, यानी इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं कंप्यूटर से। वेब कैमरा भी दोनों का ही काम करता है, एक तो अपने फ़ोटो कैप्चर करता है साथ में अपने को दिखाता भी है, तो दोनों काम करता है, वेब कैम को भी हम इनपुट आउटपुट दोनों युक्तियाँ मान सकते हैं। इसके बाद में फैक्स, फैक्स का आपने नाम सुना होगा, फैक्स जो युक्ति है पहले यूज की जाती थी, आज के ज़माने में इसका यूज़ ईमेल आने के बाद में बंद हो गया है। फैक्स क्या होता है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक डॉक्यूमेंट भेजना होता था, तो ये एक फोटोकॉपी की मशीन की तरह काम करता है, वहाँ लगे फैक्स में वो पेज डाला जाता है और वहाँ से स्कैन होके यहाँ जो पेज लगा होता है फैक्स में उस पर वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाता है, यानी एक फोटोकॉपी की तरह काम करता है फैक्स। तो फैक्स पहले बहुत यूज होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जाता है, उसकी कॉपी है वो आगे जो रखा पेज है उस पर प्रिंट हो जाती है। मोडेम, मोडेम नाम आपने बहुत सुना होगा, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों का साधन है। मोडेम क्या होता है, इंटरनेट चलाने के लिए काम में आता है, यानी टेलीफोन सिग्नलों को कंप्यूटर के सिग्नल में परिवर्तन करना और कंप्यूटर के सिग्नल को वापस टेलीफोन के सिग्नलों में परिवर्तन करना मोडेम का काम है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं डीमोड्यूलेशन। तो मोडेम क्या करती है, अपने से जो कंप्यूटर को क्या है इनपुट के रूप में टेलीफोन के सिग्नल देती भी है, और जब हम किसी के पास मेल वगैरह भेजते हैं तो ये क्या करती है, कंप्यूटर से जो डाटा है उसको वापस लेती भी है, यानी ये इनपुट भी लेती है और कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर इनपुट देती भी है और कंप्यूटर से आउटपुट लेती भी है, तो दोनों कार्य करती है कौन, मोडेम। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों युक्तियाँ कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों का ये कुछ युक्तियाँ। तो ये था अपना इनपुट आउटपुट का टॉपिक, आज इनपुट आउटपुट टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है, आशा आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी तो हम उसको कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।